रीमो को जो है और देख सकते हैं मुख्यमंत्री आवास के पास ये तस्वीरें हैं। हाँ ज़्यादा है सर। तो आप देख सकते हैं जिस तरह से यहाँ पर ये दीवार गिरी है, जिसको देखते हुए इन दो मकानों को खाली करवा दिया गया है। करीबन सुबह 4 बजे ये दीवार गिरी है। हाँ बिल्डिंग खाली करा दी गई, सुबह 5 बजे करीब ये गिरा सारा ना। तो हम गए थे सुबह सीएम हाउस, तो मैडम से मिले, तो मैम ने उसी टाइम सबको बुला लिया था। तो उसके बाद कार्रवाई शुरू होगी, काम चल रहा है। और उन्होंने सर्किट हाउस में रहने का इंतजाम करवा दिया, फैमिलियाँ भेज दी है वहाँ से। क्या ऊपर से क्या गिरा है? मलबा ही गिरा, वो जो डंगा था। कब लगा था डंगा? ये तो मालूम नहीं कब लगा था, लेकिन ये गिरा। किसका डंगा था ये, कहाँ पे लगा था? अब ये डंगा किसका था ऐसे तो पता नहीं है। अब जा तो नीचे से ही रहा है और वो गिर गया। वो कितने परिवार हैं यहाँ जो जिन लोगों को खतरा? ये 3 बिल्डिंग तो पूरी वो हो गई ना, खाली करा दी। ओकओवर में लगा ये डंगा किधर? ये जो गिरा है ओकओवर का, ये पहले का बना होगा ना, जो भी होगा सरकारी है। अभी दंगा तो सरकारी होगा ना, तो हम नहीं ऐसा। तो इन्होंने जानकारी दी कि 2 मकानों को यहाँ पर खाली कराया गया है। और ये जिस तरह से ये जब ये डंगा गिरा था, तो ये मुख्यमंत्री के घर उनकी वाइफ से मिलने गए थे, तो प्रशासन को जानकारी यहाँ पर दी गई। उसके बाद यहाँ पर प्रशासन पूरी तरह से पहुँच चुका है और भवनों को यहाँ पर खाली करा दिया गया है।